हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना एक दूसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर में हम एक बीम लेने वाले हैं, जिसके ऊपर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये है हमारे पास में एक हिंज सपोर्ट, ये है रोलर सपोर्ट, मेरे पास में यहाँ पर जो है वो है ट्रेपिजोइडल लोडिंग, ये है पॉइंट लोडिंग, और जो ये रोलर सपोर्ट है ये है इंक्लिनेशन वाला रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस ए एंड बी फॉर द बीम विच इज शोन इन द डायग्राम। तो आपके पास में क्वेश्चन का आपने पहले तो बना लेना है FPD। तो देखिए, मैंने ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे इसका एक FPD बना लिया है। तो वो जो FPD मैंने बना लिया है, देखिए FPD ये रहा, यहाँ पे ये FPD बना दिया है, हूबहू वही नकल की है। लेकिन इस FPD को आप जब एग्ज़ाम में बनाएंगे तो ऐसे ही इसको सॉल्व नहीं करना है। पहला थंब रूल हमारा रहेगा इक्विलिब्रियम के अंदर कि सारे लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, मैं इसको आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में टोटल की लोडिंग है पूरी की पूरी। अब इसको एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर आ जाता है ये जो हमारे पास में है ए पॉइंट पे, ये रहेगा हिंज। तो हिंज पे मेरा अजम्पशन है कि हमारे पास में दो फोर्सेस होंगे, एक है वर्टिकली अपवर्ड और एक है राइटवर्ड। ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में ट्रेपिजोइडल लोड। अब ट्रेपिजोइडल लोड को यहाँ बीचों बीच अगर हम इसको काट दें, आप वीडियो में देख लीजिएगा पहले जब लोड्स टाइप जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर में, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास में है 20 kN का लोड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, UDL है वो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20 × 6, ठीक है, और यूनिट रहेगा kN के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट डी के ऊपर, अभी जैसे देखिए यहाँ से लेके ये जो हमारे पास में इधर बच गया है, ये आ गया है UVL। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक्ट हो रहा है इधर, ये ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल के बारे में जब हम बात करेंगे तो लेट्स से इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास में लोडिंग इधर आती है और लोडिंग रहेगी 1/2 × बेस × हाइट। अब हाइट कितना है इसका, 80 − 20, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट में उड़ा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं दिस इज 60। आगे चलते हैं, हमारे पास में है रोलर। अब ये रोलर पे ज़रा सा सावधान रहेंगे, रोलर आपका ऑलरेडी है इंक्लाइंड, तो रोलर आपका है 30 डिग्री के ऊपर और हमेशा उसका जो लोड रहता है वो परपेंडिकुलर टू द रोलर आता है, मतलब आपका जो लोड आएगा वो ऐसा रहेगा, जैसे ये रहा लोड, ये रहेगा आपका 90 डिग्री इधर परपेंडिकुलर टू द गाइड, दिस इज द गाइड। तो चलिए इसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। तो इधर मैं इसको बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये हो गया हमारा इधर रिएक्शन विच इज़ नोन एज RB। अब ये जो RB है हमारे पास में, ये RB हमारे पास में है परपेंडिकुलर, तो ये इधर है 90 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी ये जो है ये हमारे पास में किसी ना किसी एंगल पे इधर इंक्लाइंड है। अब ये एंगल हम लोग को बाद में निकालना होगा। लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे आता है एक पॉइंट लोड, तो उसको तो एकदम सिंपली तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज 80 kN, ठीक है। पहला स्टेप हमने कर लिया है, सबसे पहला रूल है कि सारे के सारे लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें। अब आता है रूल नंबर 2, आप क्या करेंगे यहाँ पे, जितने भी आपके पास में लोड्स हैं वो आपने कन्वर्ट तो कर लिए ज़रा, लेकिन अब देखिए कि क्या सबके सब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर में जो लोड इंक्लाइंड है उनको रिजॉल्व करें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। तो ये हमारे पास में इधर आ जाएगा, लेट अस से मान लेते हैं कि जैसे समझ लीजिए ये है हमारे पास, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक है ये हॉरिजॉन्टल और एक है ये वर्टिकल। लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कभी भी उस पॉइंट पे आप करिए, जैसे आप ना इसको यहाँ रिजॉल्व कर सकते हैं लेकिन यहाँ रिजॉल्व नहीं करेंगे आप इसको इधर रिजॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों किया, तो वो हमको फ़ायदा होगा मोमेंट निकालने के वक्त, तो हम तब देखेंगे उसके बारे में। तो इसको मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहा हूँ, लेट अस से यहाँ से लेके इधर तक ये हो गया एक लोड, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, लेट अस से ये हो गया हमारे पास में एक लोड हॉरिजॉन्टल और ये हो गया एक लोड वर्टिकल। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसका एक ट्रिक सिखाता हूँ मैं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए यहाँ पे जो आपका लोड अप्लाई हो रहा है, देखिए वो लोड ऐसा अप्लाई हो रहा है ये, सो एक्चुअली आपका RB ये है, ठीक है। अब ज़रा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए आपका RB ये है। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास में एंगल बनने वाला है 90 डिग्री, ये एंगल आपने बना के रखा है 30 डिग्री, मान लीजिए ये 30 डिग्री इधर है, तो आपके पास में यहाँ पे जो ये एंगल बचता है, ये एंगल कितने का बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री का,
ठीक है, तो ये एंगल यहाँ कितना होने वाला है, ये होने वाला है 60 डिग्री का, ठीक है। चलिए तो आते हैं वापस से, जूम आउट करते हैं और अपने मेन डायग्राम में आते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होने वाला है हमारे पास, 60 डिग्री का। तो वर्टिकली मतलब ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये होना है 60 डिग्री, तो ये हमारे पास में हो जाएगा आर बी कॉस ऑफ 60, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा आर बी साइन ऑफ 60। तो हमने इसको रिजॉल्व भी कर लिया, अब हो गया हमारे पास में सारा का सारा डायग्राम रेडी। अब क्या करेंगे, इसके अंदर में मार्किंग करेंगे। लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 2 मीटर, उसके बाद में ये यहाँ से इधर और ये इधर। अब ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ज़रा आराम से समझिए। इधर से लेके इधर और इधर से लेके इधर, ये एग्जैक्ट बीच में आपके पास में ये जो है ये आएगा 3 मीटर और ये भी आएगा 3 मीटर। लेकिन अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, मैं किस आधार पे बता रहा हूँ ज़रा आप समझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इधर दो पार्ट में कटेगा, तो दिस इज 2/3 of 6 विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर एंड दिस इज़ 1/3 of 6 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ तक ये 2 मीटर है और यहाँ तक ये 3 मीटर है, ख़त्म। तो पहला रूल हमने क्या किया, सारे के सारे फोर्सेस को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। दूसरा रूल हमने सबके सबको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रखा, ठीक है। अब तीसरा एक सिंपल सा केस है, हम लगा देंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमारे पास में है तो 3 कंडीशंस लगाने, आपने 3 कंडीशंस है, वो है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ऐसा कोई कंडीशन लगाएं जिसमें ज़्यादातर अननोन फोर्सेस 0 हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले मोमेंट लगा रहा हूँ, लेट अस से समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट का सिलेक्शन करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली आप किसी भी पॉइंट पे मोमेंट 0 लगा सकते हैं, लेकिन ए पे 2 अननोन आ रहे, एक एच ए एक वी ए। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों मोमेंट के नाम पे 0 हो जाएंगे। साथ ही साथ ये देखिए ये टर्म, ये भी फोर्स जो है आर बी का, ये यहाँ से होते हुए ऐसे ए में से ही जा रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 टर्म तो 0 हो गए। चलते हैं आगे, हमारे पास में ये जो फोर्स है सबको पहले मैं मार्क कर देता हूँ, 1, 2, 3 और 4, 4 का ही मोमेंट आएगा। तो इसका मोमेंट अभी मिलकर हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में जो चीज़ें आ जाएगी वो आ जाएगी -20 × 6 इंटू हमारे पास में आ जाएगा 5 − 1/2 × base × height। ये जो हमने लगा दिया है फोर्स, इस फोर्स की बात कर रहे हैं, इंटू हमारे पास में ये टर्म आ जाएगा 6, उसके बाद में ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आर बी साइन ऑफ 60 इंटू हमारे पास में ये डिस्टेंस आ जाएगा 10 और उसके बाद में ये आ जाएगा -80 × 13 दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये पूरे के पूरे टर्म में हमारे पास अननोन के नाम पे सिर्फ आर बी है, तो अगर हम आर बी का वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें तो हमारे पास में जो वैल्यू आता है वो आ जाता है 314.079 किलो न्यूटन। लेकिन सिर्फ आर बी निकालना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट उसके साथ साथ आपको उसका डायरेक्शन भी निकालना होगा। तो हमने पहले ही अज्यूम किया है कि आर बी ऐसे ऊपर जा रहा है 60 डिग्री पे, तो हम उसको यहाँ पे दिखा देंगे कि हमारा जो आर बी यहाँ से जा रहा है वो यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज योर आर बी, ठीक है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि खामखा वहाँ पे मार्क्स कट जाती है नहीं तो। चलते हैं दूसरा कंडीशन लगाते हैं। अभी जो दूसरा कंडीशन हम लगाएंगे मिलके, वो हम लगाते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब समेशन एफ ऑफ वाई 0 रखेंगे, हमारा रहेगा यहाँ पे रूल कि अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको फटाफट से लिख देते हैं। तो कौन से फोर्सेस हमारे पास वर्टिकल हैं, अब चलिए उनकी बारी आती है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, जैसे ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, टोटल 5 फोर्सेस वर्टिकल है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं दिस इज प्लस वी ए, ओके, फिर −20 × 6 − 1/2 × 6 × 60 प्लस आर बी साइन ऑफ 60
माइनस 80 इज इक्वल टू जीरो। पहले आप सब चीज़ें अच्छे से इसको लिख दें, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको सब चीज़ दिखा दिया, पहले तो सब प्लस माइनस के हिसाब से लिख दें, उसके बाद आराम से खाली चेक करें कि आरबी का आपको वैल्यू क्या आया है। जो वैल्यू आपको आया है वो वैल्यू आप यहाँ डाल दें, विच इज़ 314.079। बस अब आप इसको सॉल्व कर डालें, तो यहाँ से आपको वी ए का वैल्यू आएगा। तो वैल्यू हमारे पास में आता है वी ए का 107.999, जिसको आप 108 भी ले सकते हैं किलो न्यूटन, और ये हमारा अजम्पशन है कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो वी ए भी हमारे पास में आ गया। अब हम अपना बचा हुआ लास्ट वाला कंडीशन लगा देंगे, जो है हमारे पास में समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लास्ट हम लगाते हैं यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट वर्ड हम लेने वाले हैं पॉजिटिव। हमारे पास यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं, तो ये एक ये है और एक ये है, दो ही फोर्सेज हैं, तो इनके बारे में यहाँ लिखते हैं। सो दिस विल बी राइट वर्ड में है तो प्लस एच ए माइनस, ये वाला ऐसा लेफ्ट में जा रहा है ये वाला फोर्स, तो इसको लेफ्ट में लेंगे, माइनस आर बी कॉस ऑफ 60 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक बार आपने प्लस माइनस के साथ सब चीज़ें लिख दी है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जो आपको वैल्यू आई थी वो वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे। सो दिस इज़ 314.079। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास में जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है आंसर ये, विच इज़ 157.039 किलो न्यूटन। अब हमारा अजम्पशन है कि ये राइट वर्ड रहेगा, तो इसको राइट में ले लेंगे, हो गया। फाइनली ये जो दोनों हमने वैल्यूज़ निकाले, एक है वी ए और एक है एच ए, इन दोनों को मिला के हम निकाल लेंगे आर ए, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 190.591 किलो न्यूटन। अब इसका आपको एंगल भी निकालना रहेगा, तो यहाँ से थीटा ए में ले लेता हूँ, विच इज टैन इनवर्स ऑफ वी ए अपॉन एच ए। ये आपके फॉर्मूले होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास में एक फॉर्मूला बना है, वैसे ही आपके पास ये भी एक फॉर्मूला बन गया है, तो यहाँ से आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास में रहेगा वी ए अपॉन एच ए 107.999 डिवाइडेड बाय 34.517 डिग्री। बस अब आपको इसको खाली दिखा देना है कि ये कहाँ जा रहा है। तो जैसे एच ए राइट में जा रहा है, वी ए ऊपर जा रहा है, सो दिस इज एच ए, दिस इज वी ए, तो आपका जो आर ए है वो यहाँ जा रहा है और ये जा रहा है थीटा ए एंगल से। तो टेक्निकली देखिए, आपने आर ए का वैल्यू निकाल लिया जो आपको एच ए वी ए से आया था, और आपने आर बी का भी वैल्यू निकाल के रखा है। तो इसी के साथ आपका जो न्यूमेरिकल है वो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं। पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें, जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।